para más que vivir. सत्तर दिन हो गए सत्तर दिनों के बाद सुपरमार्केट कॉफी हाउस के सामने कॉफी के दीवाने कॉफी के साथ। अंतर इतना है कि कप बदल गया है। पहले ये हमें बैठ के पिलाते थे, अब अभी खड़े होके पिला रहे हैं। 8 तारीख के बाद संभवतः बैठने का स्थान है। कुर्सियों की महत्ता खत्म हो गई है। बैंकों में आप जाइए तो कुर्सियों पर आपको बैठने नहीं दिया जाता है। अब कॉफी हाउस में कुर्सी मिलती है नहीं, ये 8 तारीख के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप कॉफी का आनंद लीजिए, बाहर खड़े होंगे और लॉकडाउन के 70 दिन हो चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कॉफी के दीवाने हैं, और यहाँ आके पी रहे हैं। सुबह भी कॉफी पीने आए थे और आप हमको भी बुला लिया है। हमने कहा जो आदत छूट गई थी कॉफी की, ये मोहब्बत है या नशा है, दोनों का अर्थ एक ही है। जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नशा हो जाता है, और जो नशा है उससे मोहब्बत हो जाती है। तो कॉफी के साथ शायद यही है कि 70 दिन के इंतजार के बाद इस मोहब्बत को अपने मोहब्बत से लगा रहे हैं। आप भी मजा लीजिए और कोशिश करिए कॉफी पीने यहाँ आए और बाहर होकर भी अपने घर ले जाए। पार्सल की सुविधा फिलहाल उपलब्ध है। 8 तारीख के बाद संभवतः बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार के जैसे निर्देश हैं, कोरोना काल में कोरोना की गाइडलाइन जो है उस हिसाब से कॉफी हाउस वाले काम कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, होम डिलीवरी चल रही है। फिलहाल हम इतनी ही बात करेंगे और कॉफी का आनंद लेंगे, फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे।